और क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है? गुलाब गुलाब का आपने कौन सा पेज बताया है? 39 39 39 39 कर देते हैं क्योंकि टाइम ऊपर की स्टार्ट करें। ऑल मदर्स आर वेटिंग। शुड आई शेयर और यू कैन शेयर? ऑप्शन दीजिए प्लीज, मेरे पास शेयर नहीं होती है। बार बार जो है ना, ओनली द हॉस्ट कैन शेयर। बनाओ ये चीज, अब ये करूं। जब सफा नंबर 39 खोल लीजिए सब। प्यारे बच्चों, गौर से अपनी टीचर की बात सुने। टीचर क्या कह रही है? गुलाब किताब का सफा नंबर 39 ओपन करें। उस सफे पे आपको तस्वीरी तफहीम नजर आएगी। अभी टीचर आपको स्क्रीन पे दिखा रही हैं। ये देखें, दादा जान का गांव। हम कहाँ आए हैं? दादा जान का। किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? अब सबको मैं करती हूँ म्यूट, फिर आपको टीचर की वेट करें, ठीक है ना? चलिए जी। हेलो, आप निकल गए क्या? आप निकल गए क्या? ये क्या है बच्चों? ये है दादा जान का गांव। क्या चीज है ये? दादा जान का गांव। गांव क्या चीज होती है बच्चों? जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, जहाँ पे बड़े बड़े रोड्स नहीं होते और जहाँ पर गाड़ियां नहीं होती। गांव में सिर्फ क्या चलता है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर फार्म एनिमल्स होते हैं वहां पे, जैसे गायें, बकरी, मुर्गी, ये सारे कहाँ रहते हैं? खेतों में। और गांव में क्या होते हैं? बहुत सारे खेत होते हैं। तो चले आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी, बच्चों ने बोला अपने बाबा को, बाबा बाबा कहीं घूमने चलते हैं। बाबा ने कहा चलो आज मैं आपको दादा जान के गांव लेके चलता हूँ। दादा बच्चे सुन के बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने गांव कभी देखा ही नहीं था और गांव बहुत अच्छा होता है, बाबा ने उनको बताया। तो अली, अहमद और बाकी बच्चों ने बहुत खुश हुए कि बाबा हमें दादा जान के गांव लेके जा रहे हैं। तो उन लोगों ने जल्दी 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 मिलके पैकिंग करी, बहुत खुश थे कि हम दादा जान के गांव जाएंगे। तो दादा जान के
के गांव जब वो पहुंचे तो दादा जान के गांव में उनकी फुप्पो जानी भी बैठी थी। ये देखें, ये रे दादा जान, ये रे दादी जान, ये रे फुप्पो, ये रे चाचू और अम्मी अब्बू। तो ये सब आ गए दादा जान के गांव। तो किताब ये क्या लिखा हुआ है, दादा जान का गांव, दादा जान का गांव। सब चले गए, दादा ने आवाज लगाई, आओ आओ खाना खाओ। सब बहुत थक कर आए थे और बहुत खुश भी थे गांव आकर। दादा जान ने सबको आवाज लगाई, आओ आओ खाना खाओ। क्या आवाज लगाई दादा जान ने, आओ आओ खाना खाओ। सब ने मिलके मक्कई की रोटी, सरसों का साग, पालक, लस्सी, दादा जान ने तो भाई अपने पोता पोतियों के लिए बहुत कुछ बनवाया हुआ था। बहुत खुश थे ये लोग गांव आकर। और जब दादा ने आवाज लगाई, आओ आओ खाना खाओ, फिर तो सब की भूख के मारे, सबको इतनी भूख लगी कि बस किसी ने लस्सी पी, किसी ने फल खाए और खेतों से फल थोड़ के भी लाई थी उनकी फुप्पो जानी। मजे मजे के फल खाए, सरसों का साग खाया, लस्सी पी, रोटी खाई, तो सबने मिलके बहुत मजे से दादा जान का गांव भी देखा और खाना भी खाया। तो इधर क्या है, आओ आओ खाना खाओ। क्या लिखा है बच्चों, आओ आओ खाना खाओ, आओ आओ खाना खाओ। दादा जान ने क्या कहा, आओ आओ खाना खाओ। दादा जान ने किसको आवाज लगाई, सबको आवाज लगा के बोला, आओ आओ खाना खाओ। जी बच्चों, अब सफा पलटे। यहाँ पर बच्चों ने गांव की सैर का प्रोग्राम बनाया। तो अहमद और सारा के जो दो कजन्स थे ना, वो उनको लेकर अपने गांव की तरफ चले, घूमने के लिए चले, आओ मैं तुम्हें अपने गांव की चीजें दिखाता हूँ और सैर करवाता हूँ। तो अली और सारा अपने कजन्स के साथ गांव की सैर को गए। लेकिन यार ये क्या, सब खेतों में इतने सारे जानवर। गाय ने पहली दफा अली और सारा को देखा, फौरन बोली, मो मो। गाय ने आवाज लगाना शुरू कर दी, मो मो। और बकरी भी बोली, मैं मैं मैं। बकरी कैसे बोली, मैं। डक ने भी अली और सारा को पहली दफा देखा तो वो क्यों ना शोर मचाए, उन्होंने भी आवाज लगा दी, आ आ आ आ। चलो भाई, ये कुकड़ मियां भी बोल पड़े, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। सारे बच्चे तो भाई जानवरों की आवाज सुन के बहुत ही खुश हुए। गाय बोली, मो मो। बकरी बोली, मैं। बत्तख बोली, कैं कैं। बत्तख बोली, कैं कैं। मुर्गा बोला, कुकड़ुकू। मुर्गा बोला, कुकड़ुकू। मुर्गा बोला, कुकड़ुकू। तो ये सारे जानवरों ने अली और सारा को देखकर बोलना शुरू कर दिया। चलें बच्चों, जरा आप भी बोल के सुनाए, मुर्गे की आवाज, बत्तख की आवाज, गाय की आवाज और बकरी की आवाज। चलें जल्दी से जरा आवाज निकालें अपने हलक से, आवाजें निकाल के जरा सुनाएं। सब अब अनम्यूट करें अपने आप को। चलें गाय की आवाज निकालें सब। निसिरम, सबको प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। यस आई एम डूइंग। सब अनम्यूट की आवाज निकालें सब। अच्छा जी, मुर्गे मुर्गे की तरह, जैन मुर्गे की तरह उछल के कूद, मुर्गे की तरह उड़ के दिखा, मुर्गा बने, जैन मुर्गा बने। कुकड़ू
अच्छा भाई अनाविया अनाविया बकरी की बकरी की आवाज इर्षा बकरी बने इर्षा बकरी की आवाज निकाल मैं इर्षा बकरी की आवाज मैं हसन अब्दुल्ला आप तो निकाल के दिखाएं जरा बत्तख की आवाज अरे भाई अली और सारा तो ये सारी आवाजें सुन के बहुत खुश हुए कि भाई इतने सारे जानवर मुझे और वो भी हमें देख के खुशी में इतने शोर मचा रहे थे इतना शोर मचाया है इन जानवर अली और सारा तो बे इंतहा खुश हुए गांव की सैर को अब फिर पता है क्या हुआ बच्चों क्या हुआ बच्चों सारा को बिल्ली बहुत अच्छी लगी सारा ने बिल्ली गोद में उठा के जा रही थी एक अंकल के पास तो भाई एक कुत्ता था वो उसको लेकर निकले हुए थे सैर करने लेकिन बेचारी बिल्ली तो डर के मारे और सारा की गोद में लग गई लपक सारा बेचारी क्या करे उसने फौरन बिल्ली को अपनी गोद में उठा के बोली नहीं नहीं जारा बोली नहीं नहीं जारा बोली नहीं नहीं बाकी सारे बच्चे दरख के पीछे हा 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 करके हंस रहे थे सारे बच्चे कैसे हंस रहे थे हा 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 और बिल्ली कैसे बोली बिल्ली बिल्ली कैसे बोलती है और डॉगी बोला बिचारी बिल्ली तो डॉगी की आवाज सुनकर ही सारा की गोद में लग गई लपक और बोली जारा बोली नहीं नहीं जारा बोली नहीं 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 सारा बोली नहीं नहीं तो उन बच्चों को गांव में घूम के बहुत मजा आया सारे बच्चों ने सैर भी की जानवर की आवाज भी पहली दफा सुनी और उनको इतने नजदीक से भी देखा यहाँ पर तो हम बांध के रखते हैं ना लेकिन गांव में तो ये जानवर खुलेआम घूम रहे होते हैं सारे पले हुए होते हैं तो सबने जानवरों की भी आवाज निकाली सारे जानवर नए मेहमानों को देख के बहुत खुश हुए तो गांव की जो गांव में जो सब है ना गांव में क्या होता है एनिमल्स जानवर होते हैं खेत होते हैं वहां पे हम और हर किस्म के फल और सब्जियों के दरख्त होते हैं ठीक है तो अली और सारा कहाँ गए थे दादा जान के गांव गए थे कहाँ गए थे अली और सारा दादा जान के गांव गए थे दादा जान के कहाँ गए थे गांव गए थे अच्छा किसी दिन आप लोग भी जाइएगा गांव ठीक है ठीक है आप होकर आ गए अब देखें बच्चों अली और सारा बहुत खुश हुए और उन लोगों ने अल्लाह हाफिज कहा सारा और अली दादा दादी को लेकर अपने शहर को चल पड़े और सबने क्या बोला उनके कजन से मिलके अल्लाह हाफिज क्या बोला सबने अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सबने भी अली सारा को भी अल्लाह हाफिज कहा चलें बच्चों नीचे वाली मश्क पर आ जाएं अब हम ये वाला काम करेंगे और ये हमारा आखिरी काम है जल्दी से कर लेंगे ठीक है अब मेरे साथ पहले पढ़ेंगे मिलाएं ये बकरी है ये बकरी ये बकरी है ये बकरी है अब हम बकरी को बकरी की तस्वीर से मिलाएंगे ये बकरी है ये बकरी है ये बकरी है ये वाली लाइन क्या है बच्चों ये गाय है ये गाय है ये गाय है अच्छा इस तस्वीर में गाय कहाँ पर है ये गाय है इसमें गाय किधर है इसमें गाय कहाँ है ये गाय है नहीं ये गाय है जी हाँ तो हम इसको गाय से मिलाएंगे ये गाय है ये गाय है
ये मानो है। मानो किसे कहते हैं? मेरे साथ मिलके पढ़ें, ये मानो है, ये मानो है। खोल दो, ये मानो है। मानो कहाँ है इस तस्वीर में बच्चों? ये री। तो हम मानो को मानो से मिलाएंगे। मानो बिल्ली। ये ओ सॉरी, ये मानो है, ये ज़ारा है, मानो है। क्या है बच्चों? ये ज़ारा है, ये ज़ारा है, ये ज़ारा है। तो हम ज़ारा को ज़ारा से मिलाएंगे। ये ज़ारा है, ये ज़ारा है, ये बकरी है, ये गाय है, ये मानो है, ये ज़ारा है। जी बच्चों, क्या आप लोगों ने अपना काम कर लिया? जी। दिखाइए जल्दी से, शाबाश। गुड जॉब, वेल डन। ये सब हार्ड आपके लिए। बट यू डिड द वेरी ग्रेट जॉब। और अपना होमवर्क फिनिश कर लीजिएगा और फ्लैश कार्ड प्लीज जल्दी से बनाकर टीचर को पिक्चर सेंड कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। जल्दी से अपने फ्लैश कार्ड बना लीजिएगा ताकि हम उससे रीड करेंगे ना। मम्मा की हेल्प के साथ आपने फौरन अपने फ्लैश कार्ड कम्प्लीट करना है, ठीक है? कोई बात नहीं, आप कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, आज आपको मजा आया? बहुत अच्छी थी ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। आपको मजा आया? जब अगली क्लास में हम आएंगे ना, तो आप सब बकरे की, गाय की, बत्तख की और मुर्गे की आवाज निकाल के दिखाएंगे, ठीक है? और एक और प्रैक्टिस करें, शेर की आवाज। शेर की आवाज भी सुनानी है आप लोगों ने। शेर की आवाज की दो दिन तक प्रैक्टिस करनी है और अगली क्लास में आपने सारी आवाजें सुनानी है, ठीक है प्यारे बच्चों? अपने मुंह से भी बोलते हैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। Thank you.